अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। लाइट जी गई हुई है, छोटा सा बल्ब चलाया हुआ है यूपीएस के ऊपर, यूपीएस जी बनना हो जाएगी। आज ही हमारे किचन में बन रहे हैं काले चने। चले जी देखते हैं जी काले चने की रेसिपी। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। सबसे पहले जी दो गिलास चने पानी के अंदर भिगो दिए, 8 से 9 घंटे हो गए हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लोग गर्म पानी के अंदर 2 घंटे भिगोते तो भी गुजारा हो जाता है। गर्म पानी उबलता हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन गर्म होना चाहिए। यहाँ जी आधे से थोड़ी सी ज़्यादा प्याली ऑयल की ली है। फिर जी 3 मीडियम साइज के प्याज लिए, 1 पूरा लहसुन लिया है 1 चम्मच, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया लिया है। यहाँ जी धनिया पड़ा हुआ है, 2 हरी मिर्चें हैं, और ये जी इतना सा गरम मसाला है। ये जी सारी चीजें चाहिए हमें चने बनाने के लिए। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जो हमने चने भिगोए हुए थे अच्छी तरह वॉश करके हमने फिर भिगोए थे, जो चनों का पानी है इसको हमने अलग निकाल लेना है। ठीक है जी, अब जी ये कुकर में जाएंगे चने, उसके बाद गरम मसाले को हम कर देते हैं साइड पे, ये सारी स्पाइसेस और लहसुन। ठीक है जी, उसके बाद जी ये 3 प्याज जाएंगे, मैं प्याज को काटती हूँ और फिर कुकर में डाल। हाँ जी, प्याज कट गया है, आंशू आ गए मेरे आंशू। ये जी अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। हाँ जी, हमने सब कुछ ऐड कर दिया है कुकर के अंदर। अब जी पानी ऐड करेंगे, पानी उतना ऐड करना है कि 10 मिनट इसको सीटी लगानी है, उस हिसाब से बस जी इतना काफी है। अब जी 10 मिनट इसको सीटी लगेगी, सीटी के बाद मैं हाजिर होती हूँ। अब हाँ जी, अब यहाँ पे जी कुकर हमने चला दिया है, उसके बाद अब हम ये यहाँ पे धनिया काटेंगे और मिर्चों को नहीं काटना, और ये पानी भी हमने ज़ाया नहीं करना, ये हम बाद में भुनाई के बाद यही पानी इसके अंदर ऐड करेंगे तो जायका ज़्यादा अच्छा होता है। अब धनिया साफ करके मैं धनिया काटती हूँ। ठीक है जी, तब तक हमारे कुकर को 10 मिनट सीटी लग जाएगी, फिर मैं वापस आती हूँ। हाँ जी, अब 10 मिनट गुजर गए हैं, चूल्हा बंद कर दिया है। ठीक है जी, अब इसको खोलना नहीं है। अगर आप लोग को जल्दी है इसको खोल लेंगी, जो मुझसे काफ़ी छोटी लड़कियाँ पूछ रही थी, तो आप लोगों ने ना यहाँ पे पानी डालना है, टूटी के नीचे रख के, इधर नहीं पानी डालना, इधर टूटी के नीचे पानी डालना, सारी स्टीम कुछ सेकेंड्स के अंदर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, और यहाँ जी फ्राइज बन रहे हैं मानो के लिए, मानो भी सोई हुई है, उठ के खाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेला बब्बू उठ गया था, आ जा। अस्सलाम वालेकुम, पहले सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम, आओ किचन में चले। हाँ जी, बाय। आजो 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 आजो, गुदी आजो, गुदी आजो, गुदी आजो मेरा बेटा। टिक 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 टिक, आजा 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 आजा, वो देखो। हाँ जी, जो लहसुन होता है ना स्टीम के बाद वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, आप लोग क्या किए, आप लोग आसानी के लिए ऊपर ऊपर से ही ना बिल्कुल ये मैश कर दें, ताकि आसानी हो जाएगी आप लोगों को। फिर दूसरे हम बाउल में शिफ्ट कर, वो हांडी में शिफ्ट करते हैं। ठीक है जी, जो ऊपर ऊपर था वो हमने मैश कर दिया, आसानी हो गई जी। अब हम इसको एक बार मिक्स करेंगे, साइडें साफ करेंगे, और जी हम उत्तरी इसके अंदर इसको निकालते हैं। हॉट हॉट हॉट, ये आपके ही, आज बाहर चले, आओ बाहर चले, आजो बाहर चलो, आजो मेरा बेटा, आओ बाहर जाके नम नम करे, आजो आजो आजो। ये जी मान की प्लेट है, जो शीशे के ऊपर ना स्टिक हो जाती है, तो बच्चे प्लेट उठा के इधर उधर फेंकते हैं ना। ये जी मैं आप लोगों को, जी बेटे आ रही हूँ, ये जी यूं करके इसको लगाएंगे, ये शीशे के ऊपर ना हिलती नहीं है, फिर तो बिल्कुल चिपक जाती है। जी मम्मा कहती हैं, मम्मा आजो। हाँ जी, अब मैंने क्या किया है जी, कुकर से निकाल के हांडी के अंदर शिफ्ट कर दिया है, और आग फुल तेज़ कर दिया, तेज़ इसलिए नहीं दिखी ये वीडियो में ना बहुत ज़्यादा साएं साएं की आवाज़ आती है। ठीक है जी, लहसुन सिर्फ हमने ऊपर ऊपर से हल्का सा यूँ करके कर दिया था, थोड़ा बहुत जो अंदर है ना भुनाएंगे वक्त बिल्कुल गायब शुद्ध हो जाएगा। ये देखिए जी,
इस तरह का ये रेडी हो गया है। जब इसकी भुनाई करेंगे सब प्याज सब लहसुन गायब हो जाएगा, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आप लोगों ने पीस के डालने पीस के डाल दो उस तरह टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इस तरह थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है जी, पानी खुश करते हैं, फुल आग करते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं। हाँ जी, अब हमारे 5 मिनट गुजर गए हैं और इस तरह का रसमिसा सा हो गया है, ना ज़्यादा पानी रहा है ना कम रहा है। इस पॉइंट पे हम लोगों ने ऑयल डालना है, इससे ज़्यादा हमने सुखाना नहीं है पानी। ठीक है जी, मानो बेटे नो, ये जी हमने ऑयल डाल दिया। अब इसकी हमने 15 से 20 मिनट अच्छी तरह भुनाई करनी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी काला चनों की उतना ही मज़ेदार हमारा सालन बनेगा। अभी तेज़ आग है, 5 मिनट बाद हम आग मीडियम कर लेंगे। ठीक है, अब जी मैं इसकी अच्छी तरह भुनाई करती हूँ, 5 से 6 मिनट बाद वापस आती हूँ। हाँ जी, 5 मिनट गुजर गए हैं भुनाई करते हुए। अब इधर आग मैंने हाई से मीडियम कर दी है ताकि जले ना मसाला। अब इसको 10 मिनट और भुनेंगे चंगी तरह। ठीक है जी, हाँ जी, भुनाई करते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब हम लोगों ने जो पानी निकाला हुआ था चनों को जब भिगोया था वो हमने इसके अंदर सारा ऐड कर देना। ठीक है जी, ये हमने ऐड कर दिया, अब हम इसको हिलाएंगे। जब बॉयल आएगा इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक देंगे। अभी बॉयल आएगा फिर इसको ढकेंगे, फिर 15 से 20 मिनट बाद में वापस आती हूँ। ठीक है जी, हाँ जी, उबाल आना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पे हमने इसको कवर कर देना है, आग थोड़ी सी आहिस्ता कर देनी है। चूल्हा गंदा हो गया है, भुनाई करते हुए दोबारा साफ़ करना पड़ेगा। हाय हाय, अच्छा जी, 15 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे और ये जो हमारा धनिया पड़ा है और गर्म मसाला और मिर्चें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और हमारे काले चने रेडी। हाँ जी, इसको पकते हुए 13 से 14 मिनट हो गए हैं। ठीक है जी, हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखना है क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है ना तो चने होते हैं सारा पानी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल चने ही चने रह जाते हैं, फिर किसी के पास शोरबा नहीं आता। फिर हमने इसका लेट उठाया। अब जो यहाँ पे मिर्चें, 2 हरा धनिया और ये गर्म मसाला था, ये हम इसके अंदर ये जी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है जी, अब हमने इसको एक दफ़ा हिला दिया। हमने दोबारा 5 मिनट के लिए कवर कर दिया, 5 मिनट के बाद ये हमारे रेडी है। हाँ जी, 5 मिनट हो गए हैं, हमने लिड उतार दिया है। उसके बाद जी इतना सा शोरबा हमने रहने देना है, इससे पतला नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद ये सारा शोरबा जो चने होते हैं ना शोरबा पी लेंगे। इन देन गार्निश करने के लिए आप लोग के सामने, लेकिन आप लोग ये स्टेप स्किप कर दीजिएगा, ये मैंने फोटो लेनी है अच्छी सी करके इसलिए मैं लगा रही हूँ। ठीक है ना, ये जी हमारा हमारे काले चने रेडी हैं। हाँ जी, अब आप लोगों ने जो वीडियो देख ली है बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल है। अब आप लोगों ने करना क्या है, जो किचन में जाना है चने बनाने हैं, मुझे फीडबैक देना है कमेंट्स के अंदर या पिक्चर सेंड करके। ओके जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आऊंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कि ये एक बड़ी तेज वबा की तौर पे ना फैले, और इसको रोकने के लिए, इसके रोकथाम के लिए, इसकी तेज़ी को मंदा करने के लिए, स्लो करने के लिए जो अहम इकदाम हैं उनमें जिसको ये सोशल डिस्टेंसिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चूंकि ये एक शख्स से दूसरे तक फैल सकती है, चुनाचे हम अपनी मूवमेंट, अपना एक जगह से दूसरा जगह जाना को कम से कम करें। इसी नज़रिए के तहत आपके सामने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया एक फर्दर पाबंदी है उसके ऊपर, कुछ चंद दुकानों के ऊपर। इसी तरह हमारी गुजारिश है लोगों से कि वो इस दौरान अगले कुछ अरसे के लिए, जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती कि ये सेटल कर रही है या इस पे काबू आ जाता है, तो बेजा ट्रैवल को एक जगह से दूना, सिवाय इसके कि वो ज़रूरी है, उसको अवॉइड करें, उससे इज्तनाब बरतें। दूसरी बात यह है कि छुट्टियों का ये मतलब नहीं कि हम अब सैर व तफरी पर निकल पड़े। ये मौका है घर बैठने का। बच्चों के बहुत से ऑनलाइन भी तरीक़ाकार किए गए हैं या वो घर बैठ के पढ़ सकते हैं, तो हम समझते हैं कि ये एक बहाना नहीं होना चाहिए कि अब हम निकल के छुट्टी और सैर मनाएं, क्योंकि जो बेसिक मकसद है वो फौत हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग से मुराद ये है कि जब आप, और ये बड़ी ज़रूरी बात है, मैं इल्तमास करूँगा कि इसको अच्छी तरह समझा जाए और रिपोर्ट किया जाए आप सबकी मदद से, वो ये है कि अगर बीमारी के फैलाव को खुला छोड़ दिया जाए तो वो इतनी तेज़ी से फैलेगी कि उसके जो बीमारों की ज़रूरियात हैं वो आपका हेल्थ सिस्टम अचानक से, उसको दुनिया का कोई हेल्थ सिस्टम अचानक से उसको कैटर नहीं कर सकता। तो हमने कोशिश ये करनी है कि अगर इसका फैलाव आता भी है, जो कि किसी हद तक नागुज़ीर है, तो वो इतना आहिस्ता से हो, इतना तरीक़ाकार से हो कि हम उसको, हमारा हेल्थ सिस्टम उसको सस्टेन कर सके और उसको मैनेज कर सके।